सील एनजीओ के माध्यम से मुंबई और नवी मुंबई के रेलवे प्लेटफॉर्म और सड़कों पर बेसहारा और लापता लोगों को बचाव और पुनर्वसन का काम किया जा रहा है। 99% लोग को पुलिस रेफर करती है। वर्तमान में हमारे पास विभिन्न प्रकार की बीमारियों के साथ 1 से 80 वर्ष के आयु के वर्ग के 276 निवासी हैं। अब तक सील ने पूरे भारत में 427 लोगों को उनके लंबे समय से इंतज़ार कर रहे अपने परिवार के प्रियजनों को वापस भेज दिया गया है। हमारे पास भारत या विदेश से कोई सरकारी सहायता स्थायी समर्थक नहीं है, लेकिन हम सार्वजनिक व्यक्तिगत दान से अपनी दैनंदिन जरूरतों को पूरे कर रहे हैं। उसी दौरान MGM हॉस्पिटल में कोरोना की महामारी को लेकर मरीजों का जो इलाज चल रहा है उनको पूरी तरह निशुल्क भोजन दान दिया जा रहा है सील फाउंडेशन के माध्यम से। नमस्कार, वीवी न्यूज चैनल में सभी प्रेक्षकों का स्वागत है। आज मैं खड़ा हूँ कामोटा के MGM हॉस्पिटल के यहाँ पर, और यहाँ पे कोरोना की महामारी में संपूर्ण महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, और इसी के चलते बहुत सारे मरीजों को यहाँ पे खान पान की व्यवस्था के वजह से बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी के लिए सील फाउंडेशन के बिजू फादर से मिलकर उन्होंने यहाँ पे खाना प्रोवाइड करते हैं, और उनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार कर रहे हैं और किन किन लोगों को इसकी सहायता मिल रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका बिजनेस चैनल। क्या बताएंगे सर, जो कोविड ये जो पैंडेमिक महामारी की महासंकट के बीच में इस प्रकार एक मदद सील आश्रम यहाँ पर MGM हॉस्पिटल में कर रहे हैं। जो कोविड बीमारी से कोरोना से बाधित हुआ लोग और उनकी नातिक उनकी रिलेटिव्स को भी इस मदद अपने आश्रम की तरफ से हो रहा है। सील मील करके ये प्रोजेक्ट को जानते जाते हैं। तो फादर ने एक दिन इधर एक कोरोना पेशेंट को लेके आए, एक कॉल आया, फादर हम हॉस्पिटल जा नहीं पा रहे, हमें कोई मदद करने के लिए नहीं। तो फादर गया, वो व्यक्ति को उठाया, एम्बुलेंस में लेके आके इधर MGM में एडमिट किया। तो दैट टाइम जो लंच का टाइम भी हो गया था, कैंटीन में फूड नहीं मिल पा रहे थे, और बाहर देखे तो खाना कोई भी फूड स्टॉल नहीं है। तो ये परिस्थिति समझकर फादर के मन में ऐसा एक बैडन आया, एक वजन आया, एक फीलिंग आया, इधर एक अपन एक दिन कम से कम एक टाइम भोजन इधर देना है। तो नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स हमें यहाँ पर भोजन, अभी पिछले एक 40-45 दिन से ये सेवकाई चल रहा है, ये कोविड जो कोरोना की सेकेंड जो फेज में और सेकेंड वेव में इस प्रकार एक मदद चल रहा है। करीबन 180 के ऊपर तक इधर भोजन जा रहे हैं और ऑल टुगेदर 300 मील एक दिन में दे रहा है। और आप इसके पश्चात और कोई दूसरे हॉस्पिटल के लिए कर रहे हैं? नहीं, हम अभी फिलहाल तो इधर MGM हॉस्पिटल में इधर ही है, और बाकी जो है जो पेशेंट्स जो बीमारी से पीड़ित है वो लोग कर रहे हैं, हमें जो मदद करना है तो उन लोगों के लिए अपना सील आश्रम की एम्बुलेंस जा रहा है, फादर फिलिप खुद जा रहे हैं और उनको वहाँ से उठा के ले आ रहे हैं, और हॉस्पिटल में MGM मेडिकल कॉलेज तो हीरो पाटिल मेडिकल कॉलेज उधर एडमिट करके उनको ट्रीटमेंट करा के बाद में उनको डिस्चार्ज कर घर पहुँचा देते हैं। तो वैसे भी वैसे भी कई परिवार में ऐसा भी इश्यू है, जिस व्यक्ति बीमार से पीड़ित है तो वो होम क्वारंटाइन में है, बट उनको खड़ा रह के खाना पकाने के लिए मुश्किल हो रहा है, जो उनको खटिया से उठ नहीं पा रहा है, वैसा थकावटा अवस्था पे है। तो वैसे लोगों के लिए भी अपन 3 टाइम की भोजन का व्यवस्था सील आश्रम में भी होते रह रहा है। आप जनता से क्या आह्वान करना चाहते हैं? जनता से यही है, जनता इकट्ठा करके ये समय पर ऐसा मदद के लिए एक साथ रहना है। जो हमेशा हमारे फादर फिलिप अपना आश्रम की फाउंडर फादर, उन्होंने यही कल्पना करते हैं, सील आश्रम इज़ ए पार्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो भारत की निर्माण की कामयाब की भाग है, तो हमारा कर्तव्य है वैसा हर भारतीय पौर नागरिक ने करेगा तो बहुत बड़ा एक मदद हो जाए। क्या आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता सकते हैं सील आश्रम से लोगों ने कैसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए? सील आश्रम से कॉन्टैक्ट करने के लिए हमारा वेबसाइट है seelindia.org, और अपना ईमेल आई डी admin@seelindia, और हमारा फ़ोन नंबर है 9321253899, उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। यू फादर जो सील फाउंडेशन के मैनेजर लेवल पर है और जो पूरा मैनेजमेंट करते हैं इतने सारे लोगों के खान पान के लिए कोरोना की महामारी में, किस प्रकार लोगों को अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिले, डाइटफुल भोजन मिले, इसलिए मैं पंचल सर, वीडियो जर्नलिस्ट सुनील बोयर के साथ नवी मुंबई कामोटा।